हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की तरफ से आपको हिंदी मीडियम में मैथ्स की सपोर्ट की बुक सेशन 2023-24 की ना। तो इस बुक में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 संज्ञा पद्धति स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक देखिए कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 से आज शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो आपसे क्या कह रहा है, हल कीजिए, जैसा जैसा लिखा है उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, आपको जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना, रूट 125 ऐसे ही रहने दो, प्लस 2√27, तथा की जगह प्लस लगा दो, माइनस का 5√5, माइनस का √3 हो गया। √125 को आप 5√5 लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आप 125 के गुणन तो 3 बार 5 आएगा, 5√5 बन जाएगा। यहाँ पर 2 ऐसी है, 27 को मैंने लिख दिया 2 × 3 × 3, सॉरी 3 × 3 × 3, क्योंकि 3 को 3 बार जब आप गुना करोगे तो 27 आएगा, 5√5 माइनस का √3। ये तो आपस में कट गए, काट दो साथ के साथ, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक 3 बाहर आ गया, 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, यहाँ पर आंसर आ गया 5√3। क्लियर फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, गुना करना है। तो -3 प्लस का √5 है और दूसरे ब्रैकेट में 7 प्लस का √3। तो एक बार -3 से इस पूरे ब्रैकेट को गुना कर दो दूसरे वाले को, एक बार √5 से इस पूरे वाले को गुना कर दो। ठीक है ना, तो 3 से करोगे माइनस का 21, माइनस का 3√3, 5 से अंदर इंटू करोगे √5 से, 7√5 प्लस का √15। हल तो आगे होगा नहीं क्योंकि रूट में सारी संख्याएं अलग अलग दे रखी हैं, तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं। क्लियर। थर्ड पार्ट है आपके पास 2, यहाँ पर है 216, पर छोटे वाले इस रूट में भी 3 लिखा है, 3√27 भाग करना है 3 से, ठीक है। अब 216 अगर आप इसके गुणनखंड देखो ना, तो 6 को 3 बार गुना करोगे तो आएगा, तो मतलब 6 × 6 × 6 में इसको लिख सकते। और √27 मैंने आपको अभी बताया था 3 × 3 × 3 हो जाएगा, नीचे का 3 है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6³, और ये वाला छोटे वाले रूट का 3, जब रूट हटेगा तो ये 1/3 बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3√3, एक 3 और यहाँ पर आ जाएगा, कि 2 3 है ना रूट में, तो एक बाहर निकल जाएगा एक अंदर ही रह जाएगा 3 3 में से, ये लिख सकते हैं ना, नीचे का ऐसे ही है हर। अब देखो ये आपस में कट गए तो 6 बचा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, माइनस 3 3 = 9 आप लिख सकते हो, 9√3, ऊपर से 3 को बेनिश्ट कर लो तो 4 माइनस का 3√3 बचेगा, ये तो कट गया, आंसर आ गया 4 माइनस का 3√3। क्लियर है, ये तीनों पार्ट हो गए आज की क्लास में कंप्लीट। आज सिर्फ 31st क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि अब आपके पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू होंगे, तो इनको नेक्स्ट क्लास से कवर करना शुरू कर देंगे। कहीं दिक्कत लगे इस क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ, अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो शेयर कीजिए, बताइए कि इस चैनल पर सपोर्ट मटीरियल, ताकि वो भी प्रिपरेशन कर। थैंक यू।